हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी खुशी। एंड आज का वीडियो होने वाला है बटरफ्लाई मेकअप लुक मेकअप ट्यूटोरियल। काफ़ी दिनों के बाद मैं मेकअप ट्यूटोरियल बना रही हूँ एंड ऊपर से मुझे इसके लिए रिकमेंड भी आई थी कि प्लीज, मैंने ना अपनी रील्स आई थी मेकअप करके, तो ना मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे इंस्टा पे कि कैसे किया, किसने किया वगैरह वगैरह, तो बहुत अच्छा है करके। तो फिर मैंने सोचा चलो मेकअप ट्यूटोरियल बना देते हैं। काफ़ी दिन भी हो गए मेकअप लुक नहीं लाया है, तो आपके लिए मैंने मेकअप लुक भी ला दिया। तो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन, Lakme की सनस्क्रीन। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है सन टैनिंग से एंड काफ़ी अच्छी भी है। कौन कौन ये यूज़ करता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताना। सो नेक्स्ट वी गोइंग टू यूज़ दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी आती है और काफ़ी अच्छी हाई कवरेज भी देता है। मेरे वैसे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, सो मुझे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एंड आई विल ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर ओनली, क्योंकि मेरे फिंगर्स काफ़ी अच्छा नाम कर लेते हैं। नेक्स्ट वी गोइंग टू यूज दिस मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128। आपका कौन सा शेड है कमेंट में जरूर बताना। सो हम ये हल्की क्वांटिटी में यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई डोंट नीड मच फाउंडेशन, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना है करके, तो जस्ट थोड़ा सा यू नो ग्लो आने के लिए मैं हल्का सा फाउंडेशन यूज करूँगी। फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटी ब्लेंडर। आई विल ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर ओनली, क्योंकि ये काफी अच्छे से ब्लेंड करता है। फाउंडेशन तो मैं अपने फिंगर की हेल्प से नहीं ब्लेंड कर सकती। फॉर सेटिंग माय फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज दिस हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम डन विद माय बेस मेकअप। बेस मेकअप पूरा सेट हो चुका है, अब आती है मेन जो चीज़ मैं बनाने वाले हैं, वो होने वाली बटरफ्लाईज। यहाँ पे मैं बटरफ्लाई बनाऊंगी और सोच दोनों ऐसे बनाऊंगी, एक इस पे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर मेकिंग बटरफ्लाई आई एम यूजिंग दिस पेंसिल, काजुअल पेंसिल। आप चाहो तो आईलाइनर भी यूज कर सकते हो। मेरी फर्स्ट ट्राई तो आई थिंक अच्छा नहीं हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा लग रहा है क्या। मैंने फर्स्ट ट्राई तो अच्छा नहीं रहा, लेट्स ट्राई सेकंड। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बटरफ्लाई की जो बॉडी है वो मैंने बना दी है, मुझे जैसी बनी मैंने बनाई एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ही साइड करूँगी, क्योंकि दो साइड सेम बटरफ्लाईज बनाना मुमकिन ही नहीं, ना मुमकिन है मेरे लिए। तो चलिए अभी से थोड़ा सा क्रिएटिव बनाते हैं। आई एम यूजिंग दिस न्यू की आई शेडो पैलेट टू फिल दिस बटरफ्लाई। आई हैव डिसाइडेड टू टेक दिस कलर, सो आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस कलर रॉ शेड। काफ़ी अच्छा शेड है गाइज। तो फ्रेंड्स, फिल करने के बाद हमारी बटरफ्लाई कुछ ऐसी लग रही है, मुझे तो बहुत मस्त लग रही है रियलिटी में, कैमरे में कैसी दिख रही पता नहीं। तो अब हम गाइस इसे थोड़ी डिजाइन करेंगे, सो मैं आपको बताती हूँ कैसे। यूज करने वाली हूँ रॉयल ब्लू शेड और काफी ज्यादा निखर के भी आएगा एंड मैं सोच रही हूँ जो ब्लैक बॉर्डर है उसे मैं रॉयल ब्लू बना लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग दिस पेंटिंग ब्रश एंड टेकिंग द रॉयल ब्लू शेड। अब मैं इसके अंदर लाइंस बनाऊंगी। फ्रेंड्स, फाइनली मेरी बटरफ्लाई काफी अच्छी तरह से बन चुकी है रॉयल ब्लू और ये जो रॉ का शेड है। ओह माय गॉड, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहा दोनों का, बट थोड़ी सी फीकी फीकी लग रही है, सो उसके लिए मैं फाउंडेशन के कुछ ड्रॉप्स लूंगी। नाउ गाइस, फॉर द ब्लश अगेन आई एम यूजिंग दिस रॉ शेड, काफी अच्छा है। लास्टली आई एम यूजिंग दिस लिक्विड लिपस्टिक, ये काफी अच्छे से मेरे मेकअप के साथ जाने वाली है।
टुडेज वीडियो. दिस वाज माय मेकअप. कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो. मैंने पूरी मेहनत लगाई, जैसे भी मेरी बटरफ्लाई बनी हो, फर्स्ट टाइम ट्राई, सेकंड टाइम सॉरी, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बताना कैसा है सेकंड टाइम के हिसाब से. और मुझे तो अच्छा ही लगा और मैं कुछ फोटोज भी क्लिक करूंगी. सो या आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.